In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Baby. दोस्तों मूवी बेबी जो रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2015 को ये एक बॉलीवुड एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म को रेटिंग रिव्यूज काफी अच्छे दिए गए थे। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर तीनों एक ही है जिनका नाम है नीरज पांडे। नीरज पांडे वही है जिन्होंने स्पेशल 26 को डायरेक्ट किया था और नीरज पांडे बेसिकली जो ट्रू स्टोरी होती है उसी पर बेसिकली फिल्में बनाते हैं। आपको बता दें कि फिल्म की अगर मैं कास्ट की बात करूं इसमें अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, राणा दग्गुबाती, डैनी डेंगसोम्पा, केके मेनन और अनुपम खेर ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट नजर आई थी। अब आप लोगों ने सुना होगा एक होता है सीक्वल, एक होता है प्रीक्वल। सीक्वल क्या होता है? जो आपने पिछली फिल्म देखी उसके बाद की कहानी क्या होगी, और जो प्रीक्वल होता है प्रीक्वल मतलब जो आपने पिछली फिल्म देखी उससे पहले की कहानी क्या होगी। अब 2017 में बेबी का प्रीक्वल बनाया गया था जिसका नाम था नाम शबाना, जिसमें दिखाया गया था कि फिल्म की जो स्टोरी है उससे पहले की कहानी क्या थी। अब आप लोगों ने सुना होगा 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसको आप सब 26/11 के नाम से भी जानते हैं, तो फिल्म की जो स्टोरी है वो उसी अटैक से रिलेटेड है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म के जो डायरेक्टर है नीरज पांडे, उनकी प्लानिंग है फिल्म का सीक्वल बनाने की जिसका नाम होगा बेबी 2, और उसमें भी सेम कास्ट नजर आएगी जो आ सकती है 2021 में। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 95 करोड़ 56 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 127 करोड़ 69 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 15 करोड़ 31 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 15 करोड़ 31 लाख की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 143 करोड़ रुपीस का। इसका बजट था 75 करोड़ का बजट था जिसमें से 60 करोड़ था प्रोडक्शन कॉस्ट, फिल्म का बनने का कॉस्ट, और बाकी का 15 करोड़ था 15 करोड़ प्रिंट्स और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी कि मार्केटिंग कॉस्ट। 60 करोड़ और 15 करोड़ मिला के बजट हो चुका था 75 करोड़ का। अब 75 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 95 करोड़ 56 लाख रुपीज का, और जो इंडिया से बाहर ओवरसीज का कलेक्शन था 15 करोड़ 31 लाख रुपीज का, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि बेबी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डेड है वो है अबव एवरेज की। गानों की बात की जाए तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 4 गाने थे। गानों को कंपोज किया था M.M. किरावनी जी और साथ ही मीट ब्रदर्स ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे मनोज मुंतशिर ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।